देख रहे हैं पीटीएनआई न्यूज चैनल। देश का इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अब वो मीडिया बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, पोर्टल न्यूज चैनल हो या साप्ताहिक पत्रिका, कोई भी मीडिया छोटा नहीं होता है। मेरठ में कवरेज करते एक पत्रकार के साथ कुछ गलत हुआ जो नहीं होना था, क्योंकि पत्रकार घूमता नहीं है, कवरेज करता है। क्या क्या नाम है आपका? प्रियंका त्रिपाठी। प्रियंका, क्या मामला हुआ था आपके साथ? मैं अपने न्यूज़पेपर के लिए न्यूज कवरेज करने जा रही थी, जब ही तेजगढ़ी चौपले पे एसपी सिटी और मदन मौर्य वहाँ पे खड़े हुए थे, जहाँ की चेकिंग चल रही थी, वहाँ पर सभी आला अधिकारी मौजूद थे। जब भी एसपी सिटी ने मुझे रोक के मेरा आई कार्ड मांगा, मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, तो एसपी सिटी ने आई कार्ड देखने के बाद में मदन मौर्य से पूछा कि क्या तुम इन्हें जानते हो। मदन मौर्य ने कहा, नहीं, ये सारे पोर्टल चैनल वाले और साप्ताहिक पेपर वाले सारे फर्जी हैं। मदन मौर्य के कहने पर एसपी सिटी ने पत्रकारों के नाम पे धब्बा बताया कि ये सारे पत्रकार धब्बा हैं, जो कि इस तरह से रोड पे घूम रहे हैं। आप कौन से पेपर से हैं? क्या नाम है? विकास की जरूरत, हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर। आप तेजगढ़ में किस चीज की कवरेज करने के लिए जा? अपने न्यूज पेपर की यही हाल जानने के लिए कि मतलब कोई पेशेंट मिला मेरठ में या नहीं मिला। आपने इस बारे में कोई कंप्लेंट की? हाँ जी, एसएसपी महोदय के पास की है। क्या हुआ? अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मेरा आरएनआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की भी मुझे धमकी दी गई है। क्या आपने इसके विरोध में पत्रकारों को कंफर्म किया सबको? हाँ जी, सबको किया। सूचना विभाग को जानकारी दी? जी। क्या हुआ? सूचना विभाग वाले भी ये कह रहे हैं कि वो लोग इस तरह से तुम्हें नहीं बोल सकते, उनका कोई अधिकार नहीं है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने का, जो भी करेंगे सूचना विभाग वाले करेंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा कि आप, अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है क्या? हाँ जी। तो आज क्या चाहते हैं? क्या मैं चाहती हूँ कि एसपी सिटी और मदन मौर्य पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी साहब अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी जाऊंगी।